वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल में फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बच्चों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। हम लोग पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हमने देख लिया था। इसके बाद इसका सेकेंड वीडियो आज हम देखते हैं, ठीक है। आगे द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था, नॉमनक्लेचर पढ़ा था, बायनोमियल नॉमनक्लेचर पढ़ा था, रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर पढ़े थे। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, समझ में आ गई होंगी आप लोगों को ये चीज़ें। बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन में हम करते क्या हैं? क्लासिफिकेशन में हम किसी ऑर्गेनिज़म्स को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं या उसको इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि एक हायरार्की की स्टेप बनती है। हायरार्की की स्टेप किस बेसिस पे होती है? हायरार्की की स्टेप उसके करेक्टरिस्टिक्स में सिमिलारिटी या डिसिमिलारिटी के बेसिस पे हम करते हैं। जैसे एक स्कूल है, उसमें बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, तो एक एज ग्रुप के बच्चे और लगभग एक एज ग्रुप के बच्चे होंगे, वो एक क्लास में होंगे, उसमें सिमिलारिटी क्या है? एज ग्रुप से सिमिलारिटी क्या होगी? उनका मेंटल लेवल एक जैसा है, ठीक है। तो उसको क्लास वन में रखा गया, उनसे जो थोड़े बच्चे बड़े हैं उनको क्लास टू में रखा गया। इस तरह से उनको कैटेगराइज करते हैं उनके सिमिलारिटी के बेसिस पे। इसी तरह से ऑर्गेनिज़म्स को भी क्लासिफाई किया जाता है उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। उनको कैटेगराइज करते हैं, उनको क्लासिफिकेशन में डिफरेंट हायरार्की में उनको रैंक देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए अमीबा है। अमीबा क्या है? वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज़म है। ऊपर जाएंगे स्पॉन्जेस में, वो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हाइड्रा देखेंगे, वो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम हायरार्की में नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी धीमे धीमे। अब सबसे पहले है जो लोवेस्ट है, स्मॉलेस्ट ग्रुप जो है, दैट इज़ स्पीशीज़। किसी भी इंडिविजुअल को की स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ जो होती है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, उनको हम स्पीशीज़ कहते हैं। मेंबर ऑफ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ में जैसे कि डॉग्स हैं तो वो क्या है? सेम स्पीशीज़ है, सारे डॉग्स एक स्पीशीज़ हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका, ये एक स्पीशीज़ हो गई। पोटैटो है, पोटैटो सोलेनम ट्यूबिरोसम, तो ये इंडिका, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, ये क्या है? एक स्पीशीज़ है। ट्यूबिरोसम सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये एक स्पीशीज़ है। लायन पैंथरा लियो, ये एक स्पीशीज़ है। ये दूसरे स्पीशी दूसरे इंडिविजुअल से, सेम स्पीशीज़ के दूसरे इंडिविजुअल से इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ये क्या है? लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी है। जीनस, जीनस जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं, जो स्पीशीज़ एक दूसरे से कुछ कैरेक्टर्स, उनके स्पीशीज़ में तो क्या होगा, सारे कैरेक्टर्स मिलते होंगे, लेकिन जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उनमें क्या होगा कि कुछ कैरेक्टर्स बहुत, जैसे कुछ कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलते होंगे और बहुत कम कैरेक्टर्स होंगे जो नहीं मिलते होंगे, उनको हम स्पीशीज़ में डाल देते हैं, ठीक है। उनको स्पीशीज़ को हम फिर, ये इससे ब्रॉडर कैटेगरी क्या है? जेनस है। तो एक जेनस में कई स्पीशीज़ होंगी, जैसे पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल, इन सब का जेनस क्या है? सोलेनम, ठीक है। पोटैटो का क्या नाम था? सोलेनम ट्यूबिरोसम, तो ट्यूबिरोसम क्या था? स्पीशीज़ था। सोलेनम क्या है? जेनस है। इसी तरह लायन का नाम क्या है? पैंथरा लियो। लेपर्ड है पैंथरा पैरडस। टाइगर है पैंथरा टिग्रिस। तो इसमें लियो पैरडस और टिग्रिस ये क्या है? स्पीशीज़ है, और ये सारे एक ही जीनस के हैं, पैंथरा, ठीक है। तो इसमें बहुत, इन जानवरों में काफ़ी सिमिलैरिटी होती है, इसलिए इनको एक जीनस में, स्पीशीज़ हो गया, जीनस हो गया। जीनस के बाद आती है
फैमिली, ठीक है। फैमिली जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होंगे उनमें क्या हो जाएगी, वो एक बनाएंगी फैमिली। तो फैमिली के अंदर कई जीनस हो गए, जीनस के अंदर कई स्पीशीज हो गए। फैमिली को कैटेगराइज किया जाता है उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, उनका मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसा है, ये इस बेसिस पे फैमिली को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि सोलनेसी फैमिली है, बहुत सारी फैमिलीज आप पढ़ेंगे इस ईयर, आप बहुत सारी फैमिलीज पढ़ेंगे, जैसे कि सोलनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, क्रूसीफेरेसी, मालवेसी, ये सारी फैमिलीज हैं। तो सोलनेसी फैमिली है जिसमें कि डिफरेंट जेनरा हैं, जैसे कि सोलनम, पिटूनिया, धतूरा, ये सारे प्लांट्स, इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इनका जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इनके जो लीफ का स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, इसके बेसिस पे इनमें कॉमन सिमिलैरिटीज़, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, इसलिए इसको एक फैमिली में रखा गया है। इसी तरह फैमिली फिलिडी है जिसमें जेनस पैंथरा और जेनस फिलिस जितने भी बिल्लियां हैं ये सारी इस फैमिली में आती हैं। बिल्ली हो या लायन हो, ये सारे किस में आते हैं, एक एक टाइप की बिल्लियां हैं जिसकी फैमिली क्या है, फिलिडी है। तो इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। तो फैमिली के अंदर आ गया जेनस, जेनस के अंदर आ गया स्पीशीज। एक फैमिली में कई जेनस होंगे, एक जेनस में कई स्पीशीज होंगे। ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। अब इसके हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर चल रहे हैं। तो फैमिलीज़ के बाद जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होंगी वो क्या बनाएंगी, ऑर्डर बनाएंगी। जैसे कि फैमिली है कॉनवलवुलेसी, सोलनेसी, ये सारी पॉलीमोनियल्स में आती हैं। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आते हैं, मतलब कि इसमें जो पेटल्स होंगे और जो एंथर्स होंगे ये नंबर्स में होंगे, ज़्यादा नंबर्स में होंगे, इसीलिए इनको पॉलीमोनियल्स कहते हैं। तो ये सारी फैमिली पॉलीमोनियल्स में आती हैं। तो ये सुपीरियर अबव हायरार्की में हुई, किसके अबव, फैमिली के ऊपर। क्लास जो है वो मेजर कैटेगरी है जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे कोरिलेटेड। जैसे कि क्लास मैमेलिया है, मैमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जैसे कि कार्निवोरा, रोडेंशिया, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा, लेकिन इस क्लास की कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे इसमें मैमिलरी ग्लैंड होगी, एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, हेयर्स होंगे। तो मैमेलिया क्या है, ये एक क्लास है। और भी क्लासेस जैसे क्या है, एवीज है, ये क्या है, क्लास है, ठीक है, बर्ड्स आती हैं एवीज में, ये क्या है, क्लास है। तो इन क्लासेस में वर्टिब्रेटा के अंदर जितनी क्लासेस हैं, जैसे पिसीज हो गई, फिर आपकी रेप्टीलिया हो गए, फिर एवीज हो गए, फिर मेमेलिया हो गए, ये सारे क्लासेस हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलकर के क्लास बना जाएंगे, तो आएगा फाइलम, ठीक है। तो फाइलम क्या है, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। अब हम जैसे बात कर रहे थे पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एवीज, मैमेलिया, ये सारे क्या थे, फाइलम, ये सारे क्या थे, क्लासेस। इन ये सारे क्लासेस किसके थे, किस फाइलम के थे, ये सारे थे कॉर्डेटा के। कॉर्डेटा फाइलम है जिसमें कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। तो ये एक कॉमन करेक्टरिस्टिक हो गई, लेकिन इसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया डिफरेंट क्लासेस में। तो क्लास के अबव की कैटेगरी क्या हो गई, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हो गई, फाइलम। फाइलम के बाद आता है किंगडम, और फाइलम हम एनिमल्स के केसेस में उसको फाइलम कहते हैं, और प्लांट के केसेस में फाइलम नाम नहीं दिया जाता है, प्लांट के केसेस में हम डिविजन्स कहते हैं। सिमिलर फाइलम को फिर उसके बाद अबव कैटेगरी है किंगडम। ऐसे दो किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। जितने भी हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं और उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उनको एनिमल किंगडम में डाला गया है। इसके बाद ये फ्लोचार्ट देखिए, स्पीशीज़ के बाद ये आपको याद करना पड़ेगा, स्पीशीज़ के बाद है जेनस, जेनस के बाद फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास,
फाइलम और डिवीजन, डिवीजन प्लांट्स के लिए और फाइलम एनिमल्स के लिए। और सबसे टॉप मोस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? किंगडम। ठीक, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। इसमें होमो क्या हो गया? जीनस। और स्पीशीज क्या हो गई? सेपियंस। फैमिली इसकी क्या है? होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास कॉर्डेटा, और फाइलम है मेमेलिया। मैंगो का देखें प्लांट में, मैंगीफेरा, इंडिका। इंडिका क्या है? स्पीशीज। मैंगीफेरा है जीनस। फैमिली क्या है? एनाकार्डिएसी। ऑर्डर है सेपेंडिल्स, और क्लास क्या है? डाइकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडनस फैमिली क्लास का है, इसमें दो कोटिलेडन्स होते हैं इसलिए इसको डाइकोटिलेडनी कहते हैं। और फाइलम या डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। किंगडम क्या होगा इसका? प्लांटी। ठीक है, इसी तरह से बाकी एग्जाम। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, अब टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की कैसे जाती है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने के लिए प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं, जिसके लिए बहुत कई हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, जिसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ है? एंड अगर हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं तो उसका यूज़ कहाँ है? इसका यूज़ है कि हम प्लांट का आइडेंटिफाई करें, उसको क्लासिफाई करें, तो हम उसके काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स को जान पाते हैं। इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इसका यूज़ हम एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे एक कोई स्पीशीज़ है, अगर उस स्पीशीज़ का यूज़ किसी एग्रीकल्चर के काम में या कहीं पर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है और वो स्पीशीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो उससे रिलेटेड सेम जेनस में, उससे रिलेटेड सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स वाले, हो सकता है आपको दूसरी स्पीशीज़ मिल जाए और वो स्पीशीज़ भी उस काम को कर सके। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपको कुछ रेटिंग ऑफ फाइबर्स करना है, फाइबर्स को निकालना है फ्लैक्स के, उससे स्टेम से निकालते हैं ना, फाइबर्स निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका यूज़ करते हैं हम पेपर बनाने में या रस्सी बनाने में, रोप बनाने में यूज़ करते हैं। तो अगर हमें वो स्पीशीज़ नहीं मिल रही है, तो उससे रिलेटेड जो दूसरी स्पीशीज़ होगी उस जेनस के अंदर और दूसरी स्पीशीज़ आएंगी, तो हम उससे भी अपना काम चला सकते हैं। उस सॉइल में जहाँ पे आपको चाहिए, उसके वहाँ के वाटर में, वहाँ के सॉइल में उसको निकाल लिया और उसको कल्चर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करने का, उसको स्टडी करने का बहुत ज़्यादा यूज़ है। दीज स्टडीज़ आर यूज़फुल टू नो इन बायो, अगर और इसे हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? उसको क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उनको नेम करते हैं और उनको डिफरेंट हायरार्की में किस पोजीशन पे वो प्रेजेंट होगा वहाँ पर उसको सेट कर। टैक्सोनॉमिक एड्स बहुत तरह के हैं, जैसे कि पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है कि हर्बेरियम में हम जनरली प्लांट स्पीसीज का स्टोर करते हैं। प्लांट हर्बेरियम प्लांट स्पीसीज के लिए ही होता है, प्लांट स्पेसिमेंस के लिए। तो प्लांट स्पेसिमेंस में या तो कंप्लीट प्लांट को या फिर प्लांट्स की लीव्स, रूट्स, उसके फ्लावर को अलग अलग उसको सुखा करके, प्रेस करके शीट्स पे उसको चिपका देते हैं, और फिर इनको चिपकाने के बाद उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पेज पे उसको लिख दिया जाता है, उनको उनका क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर कैसे होगा उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया जाता है। हर्बेरियम में ये भी मेंशन करना होता है कि ये कलेक्शन, ये प्लांट कहाँ से कलेक्ट किया गया था, कलेक्टर का नाम क्या था, इस प्लांट का लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, और पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो हर्बेरियम हमारा एक रहता है कहीं पर प्रिजर्व रहता है, तो आपने कोई नया अगर प्लांट देखा तो आप उससे मैच करा करके, उसके कैरेक्टरिस्टिक से मैच करा करके कि प्लांट का मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसके बेसिस पे आप जो न्यू प्लांट है उसको लोकेट कर सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन में कहाँ पर होगा। बोटैनिकल गार्डन्स, बोटैनिकल गार्डन्स में, हर्बेरियम में आप क्या कर रहे हैं? आप उसको नॉन लिविंग स्टेज में उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। बोटैनिकल गार्डन्स में
कुछ जो बायोडायवर्सिटी में कुछ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, जो बहुत कम जगह पाए जाते हैं और जिनका पॉपुलेशन बहुत कम होता है, ऐसे प्लांट्स को हम रिसर्च पर्पस या एजुकेशनल पर्पस के लिए बॉटेनिकल गार्डन में लगा दिया जाता है। उनको भी अच्छे से लेबल कर दिया जाता है, उनके साइंटिफिक नेम, फैमिली और उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उस प्लांट के बगल में होर्डिंग लगा के उस पर मैंशन कर देते हैं। इस तरह के बॉटेनिकल गार्डन्स इंडिया में भी हैं, जैसे कि इंडियन बोटैनिकल गार्डन कोलकाता में सबसे बड़ा है इंडिया में, फिर NBRI है लखनऊ में, गार्डन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है, एक क्यू जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो NCERT के बुक में दिया हुआ है, क्यू में बोटैनिकल गार्डन है जो इंग्लैंड में है, फर्स्ट वर्ल्ड बोटैनिकल गार्डन ये कहाँ पर है, पैडुआ, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1540, बोटैनिकल गार्डन हो गया। थर्ड है म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में हम कलेक्ट करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव में, जार्स में आपने देखा होगा बायो लैब्स में कि प्रिजर्वेटिव में, प्रिजर्वेटिव जनरली वो क्या होता है, HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का एक परसेंटेज, 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मलिन यूज़ किया जाता है फॉर प्रिजर्वेटिव। इस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में हम अपने स्पेसिमेंस को, एनिमल स्पेसिमेन या प्लांट स्पेसिमेंस को इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जिससे कि उसकी स्किन जो है वो डिग्रेड नहीं होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। इस स्पेसिमेंस को सॉल्यूशन में भी डाला जा सकता है या फिर ड्राई फॉर्म में उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे बिग एनिमल्स होते हैं, बड़ी चिड़िया जैसे ईगल है या स्नेक है, इनको प्रिजर्व करने के लिए इसके स्किन के ऊपर हम प्रिजर्वेटिव की कवरिंग, कोटिंग कर देते हैं और अंदर का जो उसका विसरल पार्ट है उसको निकाल करके उसकी जगह हस्क भर दिया जाता है। इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए उसको बॉक्सेस में कलेक्ट करते हैं, उसको पिनअप कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में भी इस तरह से टेक्सोनॉमिकल, उसके फीचर्स को स्टडी करके, बच्चे और जो रिसर्चर्स होते हैं उसके फीचर्स को स्टडी करके उनको कैटेगराइज करते हैं। जूलॉजिकल पार्ट्स, जिस तरह से बॉटेनिकल पार्ट्स हैं, इसी तरह से वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं। जैसे कि जूलॉजिकल इंडिया में जूलॉजिकल पार्क्स हैं, मैसूर में, हैदराबाद, इस तरह के बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स इंडिया में हैं। अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स में है की, की क्या है, ये एक मॉडर्न टेक्निक है, टेक्सोनॉमिकल एड की मॉडर्न टेक्निक है। इसमें ये हम कंप्यूटर के बेसिस पे करते हैं, कंप्यूटर के बेसिस पे इस तरह से करते हैं कि इसमें कपलेट बनाया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का कपलेट बनाते हैं। जैसे कि एक फीचर लिख लिया लीव्स पिन्नेट हैं, दूसरा फीचर लिखा लीव्स पिन्नेट नहीं है, ठीक है। तो आपने, आप प्लांट, कोई नया प्लांट ले आए, उसमें आपने टिक किया कि लीव्स पिन्नेट हैं, मान लीजिए पिन्नेट हैं, फिर उसके बाद उसमें दिया ये बाईपिन्नेट हैं, यूनिपिन्नेट हैं, कैसी हैं, तो आपने उस पर टिक किया। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्ट के ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं और उसमें आपको एक को, जो भी फीचर उस प्लांट में प्रेजेंट होता है उसको, उसके आगे आप टिक लगाएंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे वाले को रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, कपलेट, और सारे इन सारे स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लिड। तो इस बेसिस पे ये काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स की शीट होती है, जिसके बेसिस पे उसमें टिक करके कीज़ को प्लस माइनस करके स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके हम ये कैटेगराइज कर पाते हैं कि फैमिली इसकी क्या होगी, जेनस क्या होगा, किंगडम क्या होगा, सब कुछ हम कैटेगराइज कर पाते हैं। तो ये इजी टेक्निक है, अगर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के स्टेटमेंट्स हैं तो बस आपको प्लांट को या एनिमल को देख करके उसके स्टेटमेंट्स के आगे आपको प्लस या माइनस टिक करना होता है और आपके पास रिजल्ट आ जाता है पूरा क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है। मैनुअल्स, मैनुअल क्या होता है कि किसी एक जगह का, जैसे अगर हम गोरखपुर जोन की बात करें तो गोरखपुर जोन में अगर एक स्पेसिफिक एरिया लेते हैं, अगर हम कुशीनगर एरिया लेते हैं तो कुशीनगर एरिया में
जितनी प्लांट्स की स्पीशीज़ पाई जा रही हैं या जितनी एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, उन सब का एक पूरा डेटा, ये क्या कहलाएगा? मैनुअल। ठीक है, तो ये कंप्लीट एरिया में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम मैनुअल में देते हैं। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? एक टैक्सोन में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक चैप्टर था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं और याद रखने वाली चीज़ें हैं। फिर से चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर से, लाइक करिए, बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, अच्छा लगेगा अगर आप हमसे जुड़े रहें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।